लगातार हो रही बारिश दे चलदिया रूपनगर दे घरां विच घुसिया पानी। घर दा सारा समान बारिश दे पानी नाल डुबण नाल लोकां नूं भारी मुसीबत दा सामना करना पै रहा है। सारा सीवरेज का पानी आता अंदर, बाकी पानी निकलेगा लो दरवाजे भाजी पलाई है ये खोल जाना इन्होंने भाजी पलाई ने खोल जाना। ये मैं अपने ड्राइंग रूम तैयार करवा रहा था, मेरी प्रेस पानी ना भरी हुई है, ये मैं पानी कटिया भी बच जाए थोड़ी बहुती। हाँ देखो जी घर पानी बढ़िया वा, देखो जी कितना बुरा हाल होया वा। भरिया वा माड़ा हाल हो टैला टूला लागे ना बहुत। हाँ ये तो बहुत बुरा साढ़े यार बैग मारन लग गया और पिछों आ रहा गली चो सेवक उन्हें भी गणी। अच्छे से लाइव से करना, ये सीवरेज का गंदा है यहाँ पे, ठीक है। ये एमसी साहब को दिखाएंगे, बेड का तो हो गया फिर नुकसान, नीचे से गिले हो गए कोई बात नहीं। तो अच्छे से भाई फर्श का हाल देख, सीवरेज के साथ मार्बल का कलर ही चेंज है, क्या बात है। ये राजस्थान का मार्बल है ना, ऐसा आता है जब सीवरेज का पानी गिरता है ना इस पे। ये देख गंदगी, सारी गंदगी बाहर से अंदर, बोतलें भी आ रखी हैं अंदर, ये कहाँ से आ गई पता नहीं है, और बीच में से निकल आई होगी किसी के। चल कर अच्छी तरह बेड कर, अब बेड साइड पे लगाना पड़ेगा, तेरे साथ लगता हूँ मैं। एमसी साहब के पास तो टाइम नहीं है किसी का सुनने का, वो थोड़ा अपने एटीट्यूड में रहते हैं। वाह चला लोगों का सीवरेज साढ़े घर, एमसी साहब बधाइया, चंगा करया बहुत। आ देखो जी शशि अंकल जी घर पानी बड़े, आंटी जी कट रहे हैं पानी। सब का बुरा हाल होया भाई, हो रही। आ देखो सर संजय वर्मा जी साडे एमसी है, हुण प्रधान बन गए है। आ बैडा का हाल देख लो, आ गलियां का सीवरेज का गंद, बैडा के नीचे पलाई खराब, दूजी बार चेंज कराई है। पहला मेरा 65,000 का नुकसान होया लकड़ बेचती थले, मेरा काम चल रहा सर, कारपेंटर ने थोनू पता ही है किन्ने लेने। आ फर्श का हाल देख लो, जे पहलियाँ वीडियो मैं भेजी उन्होंने जो मैं बोलिया नहीं हाँ। हालो सर आ कुत्ता मेरा पे बैड से, वह डरदा पानी के नीचे नहीं आ रहा, थोड़ा बैड हरेक रूम च दिखा दिता सर। एक मिनट सर, हालो हालो सर पानी
संजय वर्मा जी नूं मैं कहा था भी गली इन्नी ना चुको, ठीक है जी। ये दो तीन बंदे दे गल्लां चा के इन्हां ने करिया, चलो जो भी करिया, पर मेरा गरीब का नुकसान होया ना जी। हलो, कोई रूम नहीं है जिथे गंद नहीं सर, तुम दिखाया। लो सर, प्रेस भी सड़ गई मेरी, नीचे पई दी आ, कपड़े प्रेस करता था नीचे रख बैठे मैं गलती नाल, पता नहीं था भी प्रधान दी हूँ दरवाजे खराब होने सर, थानू पता ही है एक वुडन का दरवाजा किन्ने का पैंदा है, ठीक है सर। पलाइया फुल गई हूँ, मैं थानू क्या कहां, मैं बस बहुत दुखी है, खुश नहीं हाँ, मैं गलती करी भी असी वोट पाई है। रूपनगर वासियां ने दस्या कि गर्मी तो ता राहत मिल गई है, पर नगर निगम दी गलतियां कारण मुसीबतां दा सामना करना पै रहा है। गलियां दियां सड़कां घरां तो उच्चियां होण कारण पानी घरां दे अंदर तक पहुंच चुका है। नगर निगम नूं शिकायत भी कीती सी पर कोई हल नहीं निकलिया। जी मेरा शेखा महला है, इन्हां ने मैं कहा सीगा भी गली ना चुको उंची, भी 4 इंची पहले ही छोटियां पाइपां पईयां होईयां। इन्होंने ठेकेदार ने अपनी मनमर्जी करी है, सरबजीत सिंह का कोई भैनी कारपोरेटर इदां ही कुछ ना ते है, ते अपनी मनमर्जी नाल उन्होंने गुंडागर्दी भी समझ लो ठेकेदार दी, ते विच SDO EOA रले। हुण इह मैनूं पता नहीं भी तुसीं इस दे बारे कोई कंप्लेंट नहीं करी थी पहला? पहला सर मैं इन्हों कंप्लेट करी है भी ठेकेदार नूं कहा भी गली नीवी कर दो, इन्होंने सिर्फ मेरा रखन अद्धा इंच मेरे घर कोल ते नीवी करती, तुसीं बाहर जाके वीडियो बना लो, ठीक है ना। मेरा घर नीवा है, कानूनी रू कानून के हिसाब नाल वैसे तुसीं सड़क पट के बना सकते हैं, कानून के हिसाब नाल इन्होंने अपनी ठेकेदार ने मनमर्जी करी है। दो एक दो बंदे जिहड़े ते खास या जिन्हां दे घर ऊंचे सीगे गड्डियां लगदियां सीगियां नीचे, उन्होंने या तो इन्हों पैसे खिलाए ठेकेदार MC कौन जी MC ना गल करी है? MC साहब हूँ आए थे, MC साहब कहते मैं तो कहा भी गली पटा दो भी उस लैवल से लेके आओ। MC साहब आए से, MC साहब का चलो वधिया बंदे आ, कोई मैं कसूर नहीं कहता MC साहब का, बिच SDO और कमेटी वाले का कसूर आ, कमेटी वाले जिम्मेवार है जिन्ना मेरा नुकसान होया कमेटी वाले भरन। MC कौन है तुहाडा? MC संजय वर्मा जी, वो कमेटी दे हुण अपना प्रधान भी बन गए है। मैं मंग करदा सर जिहड़ा मेरा नुकसान होया 3-3.5 लाख दे करीब होया वो मेरा दिता जावे मुआवजा, ये क्योंकि असी हर वारी सीवरेज का बिल भरते 630 रुपये वो सानू माफ़ नहीं हुंदा, जे लेट हो जाए तो सानू पलंटी पैंदी है, ठीक है जी। तो सीवरेज का पानी साडे घरां च आवे तो हुण उन्होंने पलंटी पैनी चाहिए है। की नुकसान होया? नुकसान सर 2 बार तो बैड बन लिया थोड़े सामने है सर, बैड की ढो उधर पई है थोन दिखाती है, दूजे की खुली भी है, अज थ दिखा दिता मैं। अच्छा जी, होर किसे? होर सर किचन का मेरा 2.5-2 लाख रुपये लग गया, मड्यूल किचन तैयार करवाई है थोड़े सामने, पानी हूँ पता नहीं वह कि नुकसान होया होना, नीचे तो सारा बदलना पैना, हो सकता खर्चा टप जाए, मैं 2 लख दे दें उ बहुत है, मैं करवा लूँगा बाकी। ਅਸੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਬੈਕ ਵੱਜੇ ਹੈਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਬੈਕ ਵੱਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਵੱਜਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਹੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਮੇਨ ਹੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੰਪ ਹੈ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਸੋਰੀ ਆਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਜੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਕ ਵੱਜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹੱਲ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਗਲੀ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਲੀ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ,
ਪਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।